तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेकविला में। और दोस्तों, आज हम जानेंगे हाउ टू यूज़ सुपर बैकअप एंड रिस्टोर ऐप के बारे में। तो दोस्तों, इसे डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर पर आना है और आकर आपको सर्च करना है सुपर बैकअप। तो दोस्तों, यहाँ आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 मिलियन प्लस लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है। तो सिंपली यहाँ पर आकर आपको इसे ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ये इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर अपने ऐप, SMS, कॉन्टैक्ट, कॉल लॉग्स, कैलेंडर, कॉल रिकॉर्डर, पिक्चर्स, इन सब का बैकअप आप बना सकते हैं आसानी से। और आप इसे गूगल ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया ऐप है। अगर आपका फ़ोन खो जाता है या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है डाटा और कॉन्टैक्ट की, तो आप इसे गूगल ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं और फिर वापस से उसे वहाँ से रिस्टोर करके अपने मोबाइल में वापस से सेव कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट का बैकअप बनाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर आना है और यहाँ पर बैकअप कॉन्टैक्ट विद फ़ोन नंबर्स लिखा है, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट का बैकअप ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बैकअप बनने लगा है कॉन्टैक्ट का, तो कुछ इस तरीके से। तो ये दोस्तों, ये मेरे फ़ोन में सेव हो चुका है। अब मैं चाहता तो इसको गूगल ड्राइव में भी सेव कर सकता था। तो जैसा आपको चाहे तो आप गूगल ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। और कुछ इसी तरीके से दोस्तों, यहाँ पर आप अपने SMS का डेटा भी सेव कर सकते हैं, डेटा भी सेव कर सकते हैं आसानी से। आपको यहाँ पर आना है और बैकअप ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, तो आपका ये बैकअप बन जाएगा कुछ इस तरीके से। आप चाहे तो इसे भी गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज या फिर आपका डेटा जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आप ये सेव आसानी से सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस ऐप की मदद से आप अपने डेटा का बैकअप तो आसानी से बना सकते हैं, साथ ही साथ इसमें आप अपना किसी दूसरे का डाटा आपको चाहिए या फ़ोन रिकॉर्डिंग या कॉल रिकॉर्डिंग आपको चाहिए किसी भी व्यक्ति का, तो आप इसके लिए सिंपली उसके फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर गूगल ड्राइव में आकर वहाँ पर अपनी ID वहाँ पर डाल दीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों, अब सिंपली आपको वहाँ उसके फ़ोन में सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद वहाँ पर आपको ये दो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऐप बैकअप नोटिफाइंग, ये आपको ऑफ कर देना है, और रिमाइंड अपलोड बैकअप फाइल, ये आपको बंद कर देना है, जिससे कि उसको पता नहीं चलेगा कि उसका डेटा कहाँ सेव हो रहा है और आपके पास ऑटोमेटिकली उसका डेटा पूरा गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा आसानी से। इस तरह से आप उसकी कॉल रिकॉर्डिंग डेटा का एक्सेस इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेकविला को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।